बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। ये बकरा जो सोचता है इसके बाद ये लगता है गालिबन कराची से। ये भी एक देखते हैं राजनपुरी, ये क्या फरमाते हैं जी, क्या मसला है इनका? डॉक्टर साहब वालेकुम, मैं शाह लतीफ बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर पलंदरी से। पलंदरी से, अच्छा जी। डॉक्टर साहब काइंडली आप ये मशवरा दे सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जनवरी फरवरी में दिसंबर में बर्फ़ भी पड़ती है, क्या हम चुलस्तानी क्रॉस या साहिवाल या फिर ये जर्सी और फ्रीजन इनमें अच्छी गाय वहाँ रख सकते हैं, और वहाँ के लिए कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ये चुलस्तानी या जर्सी ये ठंड वगैरह बर्दाश्त कर सकती हैं या साहिवाल? प्लीज़ इस पर आप एक वीडियो भी बना दें तो मेहरबानी होगी, आपकी नवाजिश होगी बहुत बहुत। दूसरी ये गाय है, फर्स्ट टाइम है वो इंजेक्शन की। पहला मैं आपका सवाल दे दूं, सवाल का जवाब। मेरी जान, इनमें सबसे बेहतरीन ऐसे ठंडे मौसम में जर्सी ज़्यादा बेहतर रहेगी, जर्सी या फ्रीजियन, आप इन दोनों में से कोई भी ले आएं। और अगर क्रॉसेज हों साहिवाल और जर्सी का या साहिवाल और फ्रीजियन का, वो भी चलेगी, ठीक है। अल्लाह फजल करेगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी, और दुआओं में याद रखें। दूसरा सवाल भी मैं आपका लेता हूँ, और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ एक दफ़ा फिर, और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस हदीस मुबारक पर। अल्लाहु अकबर। मर्दों के तहबंद और शलवार वगैरह का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में जाएगा। बुखारी से कोट कर रहा हूँ। फ़ीमान अल्लाह।